में बने स्टोर रूम में हुई चोरी, जहां पर बच्चों के खेलने के इस्तेमाल किए जाने वाले स्पोर्ट्स के सामान को रखने के लिए स्टोर रूम बनाया गया था, जिसमें विगतराज चोरों ने दावा बोल दिया है। वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से कई बार इस बारे में निवेदन किया था कि यहां पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसको ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम आज देखने को मिला जब यहाँ चोरी हो गई। अब देखने लायक होगा कि प्रशासन कब तक यहाँ पर लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था करता है। नगर पालिका को इतनी बार दे चुके हैं यार, इसमें लाइटें लगवा दो, कोनों में लाइटें लगवा दो यार, ठेके लगभग स्टेडियम में आए तो देखा यहाँ पे कि एक ये खेलों का सामान जहाँ रखा जाता है उसका ताला टूट गया था, इसमें क्रिकेट वगैरह का सामान था। उसी के साथ हमारे ये खेल विभाग कल्याण विभाग का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, इसमें एरोबिक्स के लिए स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज के 4 तखनों के 16 पाइप निकाल लिए गए। और हम लोग कई बार इसकी लाइट के लिए भी हम आवेदन दे चुके हैं, कई बार हमने नगर पालिका से कोशिश करी है कि लाइटें लग जाएं। हमारा यही अनुरोध है कि यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाए, यहाँ बहुत अनवांटेड गतिविधियाँ चलती हैं, रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ पे लोग बहुत दारू पीते हैं, यहाँ पे कई प्रकार की, ये जो क्रिकेट का रूम का ताला टूटा है इसमें से टिल्लू पम्प चला गया है, कुछ रॉड चली गई हैं, फिटनेस का सामान चला गया है, और जो हमारा स्टेज लगा हुआ था उसके 16 पाइप निकाल लिए गए पूरे, वो स्टेज धराशायी हो गया है।